नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। हरिद्वार की बात करेंगे जहां के कनखल थाना क्षेत्र में देर रात दो पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बता दें कि मामूली सी कहासुनी को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। लाठी डंडों से लैस लोगों ने घर में मौजूद महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की। वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही कनखल थाना पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भीम आर्मी के कुछ गुंडा तत्व एक साथ 20-25 की संख्या में टूट पड़े घर पर और लगातार उन्होंने मार पिटाई की, महिलाओं को बुरी तरीके से पीटा। उसका वीडियो भी सामने आया है और भारी तरीके से पूरे परिवार को पीटा गया, गंभीर चोटें आई हैं। इसमें पूरा परिवार के जितने भी लोग थे लगभग 10-12 लोग इसमें घायल हैं। नहीं, अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। अगर पुलिस इसमें उचित कार्रवाई नहीं करती तो कश्यप समाज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेगा, बाइक रैलियां निकालेगा, उग्र आंदोलन करना पड़ा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस प्रकार के असामाजिक तत्वों की किसी भी प्रकार के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरी सरकार से भी और प्रशासन से भी यही मांग है कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो, अदरवाइज हम अपना अगला कदम उठाने के लिए तत्पर हैं। जय सामाजिक तत्वों द्वारा एक कश्यप समाज के लोगों के घर में घुसकर मारपीट की गई, उसका वीडियो मैंने देखा। इतना दुखद वीडियो है कि उसने घर में घुसकरी और तो सही बच्चों सही सबको लाठी डंडों से मारा जा रहा है। लोग वहाँ पर खूनी हैं, जख्मी हालत में हैं और पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई से बच रही है। एक छोटी सी कार्रवाई करके पुलिस ने हमें ये कह के आश्वासन दिया कि इसमें जो है जब तक मेडिकल नहीं आता हम जो है बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। जो पुलिस कार्रवाई से बचती है तो अभी तो हम हरिद्वार जिले में के अंदर पुलिस के खिलाफ आंदोलन करेंगे और उसके बाद भी अगर इनके कान नहीं खुलते तो पूरे प्रदेश में हिंदू जागरण मंच इस मुद्दे को लेकर जाएगा और कहीं ना कहीं पुलिस को मजबूर करेगा कि जो है पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। देखिए, रात को 10:15-10:30 बजे के बीच में थाने पे एक सूचना आई थी कि जिया पोथा में दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है। पुलिस ने त्वरित मौके पर पहुंचकर उसमें झगड़े को भी वो किया और उसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमे दर्ज हो गए। ये विवाद शुरू हुआ था, दो लोगों के बीच में आपस में विवाद शुरू हुआ था, किसी चौमिन की दुकान पे कोई वैसे विवाद शुरू हो गया था जिसमें फिर उन्होंने वो अपने वापस घर चले गए थे, फिर वो अपने घर वालों को लेके आए तो उस वजह से विवाद थोड़ा बढ़ गया और उनके बीच में फिर लड़ाई हो गई। जितना सीरियस है बिल्कुल उसी तरीके से उसको डील भी किया गया है और उन्हीं तरीके की रेलिवेंट धाराओं में इसमें मुकदमा भी लिखा गया है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे अरेस्टिंग भी उस हिसाब से उसमें कर लेंगे। अभी देखिए जांच चल रही है इसमें, फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में मामले सामने आएंगे, हमारे पास एक वो जो वीडियो थी वो भी आई है, उसको भी पूरा वेरीफाई प्रॉपर्ली करके उस हिसाब से इसमें हम लोग कार्रवाई करें। बागेश्वर में डीएम विनीत कुमार ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान डीएम ने जिले के कई क्षेत्रों का जायजा लिया। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए सड़क, पेयजल, विद्युत और संचार लाइनों का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही किए जा रहे कार्यों की प्रगति के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डीएम विनीत कुमार ने कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को पूर्ण मनोयोग से काम करना होगा। आगे बढ़ेंगे। भारत नेपाल के बीच चल रहे सीमा विवाद के साथ ही आने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्तराखंड के सीमांत जिला चंपावत में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। जिले के सभी सीमांत क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। चंपावत के SP लोकेश्वर सिंह ने बताया कि जिले में होने वाली हर हरकत पर खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है। किसी भी प्रकार के इनपुट के आने पर सतर्क हैं। पूरे जिले में सभी सुरक्षा एजेंसियों और विभागों को फुल अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज को हम काफी करीबी से देख रहे हैं। इसी के साथ हमारा जो खुफिया विभाग है उसको भी अलर्ट किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई इनपुट आती है तो हमने पूरे जिले में पूरे पुलिस विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। रुड़की की बात करेंगे जहां एक युवक पर झूठा मुकदमा दर्ज करने का मामला सामने आया, जहां ड्यूटी पर तैनात युवक पर राजस्व पुलिस चौकी ने मुकदमा दर्ज कर दिया।
वहीं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पीड़ित युवक दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। युवक अब आत्महत्या करने की बात कर रहा है। दरअसल एक महिला ने मामूली कहा सुनी को लेकर अपने सास और देवर के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी, लेकिन तहरीर में जिस दिन का समय और तिथि दर्शाई गई है उस दिन युवक रुड़की में अपने अफसरों के साथ कार्य कराता नजर आ रहा है। वहीं युवक बार बार पटवारी से गुहार लगा रहा है। का जो काम चल रहा है उसकी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी भोगन का कर्मचारी हूँ, और मेरी भाभी जी और के साथ में मेरी माता रहती थी पौड़ी में। उन्हें मेरी भाभी ने मेरी माता के साथ में मारपीट की, और मारपीट के बाद में मेरी माता ने राजस्व पुलिस चौकी में गुहार लगाई इंसाफ की, और मेरी माता के उल्टा पटवारी जी ने मेरी माता के खिलाफ ही मुकदमा लिख लिया, और उसमें मेरा भी नाम दे दिया। मैं अपनी कंपनी में भोगन में रुड़की में अपनी ड्यूटी पर था, पोस्टर सीसीटीवी फुटेज है, और मैंने डिपार्टमेंट के जई और जो कंपनी के कर्मचारी जो मेरे साथ थे सीसीटीवी फुटेज में उनकी भी उनसे भी लिखवा के दे दिया, और मेरी लोकेशन भी यहाँ की है सब। लेकिन पटवारी जी फिर भी मेरे साथ ज्यादती कर गए। 11 फरवरी का मुकदमा लिखा हुआ है और आज 6 महीने हो गए, जब भी पटवारी जी कुछ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ बिल्कुल, और पटवारी जी मुझे परेशान नहीं परेशान कर रहे, और बाकी खुल के बात करने नहीं चाह रहे मेरे से। वो पता नहीं किस समस्या के कारण मुझे इस बात से छुटकारा नहीं दिलाना चाह रहे। बार बार मतलब मुकदमा कब लिखा गया था? मुकदमा लिखा गया 11 फरवरी को। उस दौरान आप यहाँ पर? उस दौरान मैं रुड़की में ड्यूटी था अपनी, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने इसके एवज में 3 बार तहसीलदार साहब से बात कर ली, एसडीएम साहब से बात कर ली, लेकिन मुझे कोई भी सुझाव सही नहीं मिल रहा। मैं इतना मानसिक उत्पीड़न हो रहा है मेरा पटवारी जी से, मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है सबसे बात करने के बाद में, अब मैं कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बिल्कुल कुछ कह नहीं सकता। अब अगर मुझे कुछ भी नुकसान होगा तो पटवारी इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। बात सीसीटीवी की आ गई तो सीसीटीवी कैमरा को तो हम झुठला सकते नहीं ना, जब हमारे पास इसके एविडेंस है, हमारा स्टाफ में जो इसके कलीग हैं सब वो इसको देखा है, साथ में काम किया है। इवन मतलब जो हमारी सरकारी संस्थान है PIU उसके साथ हमारा इंजीनियर मतलब साइट पर विजिट किया है, साइट उसके साथ विजिट की, उसकी वीडियोग्राफी है इसका। जो हमारा उस टाइम जब मेस का काम थोड़ा बंद था, मतलब हमारे कुक लोग नहीं थे तो हम बाहर खाना खाते थे उस टाइम, इनका वहाँ मतलब ढाबे में खाना खाते हुए का हमारे स्टाफ के साथ वो वीडियोग्राफी है। तो इसमें तो मतलब कोई वो ऐसा कुछ बनता ही नहीं है ना कि जी ये होगा नहीं। 7 तारीख को ये था हमारा, मतलब 7-8 दिन से पहले ये आया हुआ होगा वहाँ, 7-8 दिन बाद भी वहीं रहा होगा। मतलब जो भी है उस दिन का आसपास का सब डाटा देख सकते हैं ना, जैसे मतलब इवन ये पहले बस से भी होगा हमारी हाजिरी लिस्ट में, तो पहले के भी वहाँ वीडियोग्राफी उपलब्ध रही होगी। क्या ये साफ तौर पर माना जाए जो मुकदमा दर्ज कराया गया वो बिल्कुल? देखो मुकदमे की तो बात हम झूठे की तो हम कह नहीं सकते, वो पहले हुआ कि, पर जिस तारीख को कराया गया है उससे भी कुछ दिन पहले के भी हमारे पास रिकॉर्ड पड़े हैं, उसके कुछ दिन बाद के भी रिकॉर्ड हैं। मतलब जिस तारीख का वो बताया गया उस दिन तो ये था हमारे पास, उस दिन की तो हम ले सकते हैं भाई हाँ हमारे साथ ही ये अभियुक्त मौजूद था, बाद की पहले की हम। उत्तराखंड सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार से नैनीताल जिले की 2 कर्मशील महिलाओं को सम्मानित किया, जिसमें लोक गायिका माया उपाध्याय और सामाजिक कार्यकर्ता कंचन भंडारी शामिल है। इन दोनों महिलाओं को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान माया उपाध्याय ने कहा कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार दिए जाने का वो स्वागत और अभिनंदन करती हैं। वहीं कंचन भंडारी पिछले 30 सालों से समाज में महिलाओं के साथ हो रहे शोषण, अत्याचार और गैर बराबरी की लड़ाई को लड़ रही हैं। उनका कहना है कि समाज में कार्य करते हुए आज एक ऐसी वीरांगना महिला के नाम से उन्हें सम्मान मिला है जिसने महिलाओं के स्वाभिमान को ऊंचा किया है। खबरें अभी और भी हैं, आगे की खबरें इस ब्रेक के बाद। देशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है
जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार, मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया, घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत ना हो। त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया, हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए तीन की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। देशवासियों के सुरक्षित भविष्य के लिए कृत संकल्प है उत्तराखंड सरकार। कोरोना काल में प्रवासियों का सहारा बनी त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए हैं महत्वपूर्ण कदम। देश के दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को बसों, हवाई जहाज एवं ट्रेनों से सुरक्षित पहुंचाया घर। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने शुरू की है कई योजनाएं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 150 तरह के कार्य हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उससे कवर नहीं हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि राज्य का कोई भी नौजवान, कोई भी युवक, कोई भी युवती अगर कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम करें। स्किल मैपिंग के जरिए लोगों को घर पर ही मिल रहा है रोजगार, मनरेगा बन रहा है लोगों की आर्थिकी का जरिया। घर लौटे प्रवासियों को रोजी रोटी की दिक्कत ना हो। त्रिवेंद्र सरकार ने राशन मुहैया कराया, हाल ही में शुरू की गई योजनाओं का दिखने लगा है धरातल पर असर। जब अपने घर में मिल रहा है रोजगार तो फिर क्यों जाएं बाहर। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। चिंताजनक ये है कि संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 278 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह है कि रिकवरी की रफ्तार भी अब बढ़ने लगी है। एक दिन में विभिन्न अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर से 304 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 8,900 लोगों से ज्यादा हो गई, जिसमें से अब तक 5,731 यानी कि लगभग 64% लोग ठीक हो गए हैं, जबकि 3,018 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमित 38 मरीज राज्य से बाहर चले गए हैं, जबकि अब तक 114 की मौत हो चुकी। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बीच कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने की खबर आ रही है। क्षेत्रपाल के पास सड़क चौड़ीकरण के दौरान मलबा आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध रहा। इस दौरान मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। आपको बता दें कि बीते एक साल से इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर रोड कटिंग कार्य चल रहा है। चौड़ीकरण कार्य से नाजुक चट्टानों का गिरना बरसात के मौसम में तेज हो गया। हालांकि मलबा हटाने का काम तेजी से शुरू हो गया, ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही सड़क खोल दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के चलते पर्वतीय इलाकों से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन राजधानी समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, और इसी को देखते हुए विभाग द्वारा अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि लगातार बारिश के चलते सभी नदी नाले अपने उफान में बह रहे हैं, जिसको देखते हुए सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो है पहाड़ों में खासकर लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीज़ें जो है वो इस समय हो रही हैं, और बारिश और गिरेंगी तो फिर ये एक्टिविटी है जो इस तरह की है, तो खासकर जो वनरेबल एरियाज है उनमें जो लैंडस्लाइड है या फिर जो हमारे छोटे नदियां नाले उनमें पानी का बढ़ जाना, उससे कटाव होना, तो कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी दिक्कतें वो देखने को मिलेगी। तो 3 दिन अच्छी बारिश प्रदेश में है तो थोड़ा लोगों को बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है, और उसमें वार्निंग भी रखी गई है यही जो मैंने बोला है हैवी रेंस के लिए, और थोड़ा अलर्ट रहने की बिल्कुल ज़रूरत होगी। तो यही मैं कहना चाहूँगा अभी 2 से 3 दिन के मौसम के। मसूरी में पिछले दिनों हुई बारिश से लोगों को भारी नुकसान हुआ, जिसको लेकर मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नुकसान का जायजा लिया था, जिसके बाद 10 परिवारों को सरकार द्वारा आपदा राहत राशि के तहत 9 लोगों को 3,800 रुपए तो वहीं एक को 5,200 रुपए का चेक दिया गया।
एसडीएम कार्यालय में एसडीएम प्रेमलाल और भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल द्वारा पीड़ित परिवारों को चेक वितरित किया गया, साथ ही उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया। वहीं पीड़ित परिवारों को मिले चेक में कई लोगों के नाम गलत होने से राशि लेने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं तीन परिवार के बैंक में खाते ही नहीं है, ना ही उनके पास आधार कार्ड है, ऐसे में उनको राहत राशि का लाभ कैसे मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बस स्टैंड हो चाहे किंगरेट हो चाहे बालक हो जो झड़ी पानी विधायक जी ने व्यक्तिगत रूप से जो उनको निरीक्षण किया था, एजीएम साहब भी साथ में थे, नायब साहब थे, तो उसी निरीक्षण के फलस्वरूप जो है उन्होंने जो सरकारी जो मानक है मानक के अनुसार जो है जो उनको वेरीफाई करने के बाद जो पाया गया कि इनको जो है एक को 5200 और अन्य को जो है 3800 रुपए के, ऐसे 10 लोगों को यहाँ पे जो है राहत दी गई है। अतिवृष्टि से जो है यहाँ पर कुछ लोगों के मकान आंशिक रूप से और कुछ लोगों का जो है उनके खाने पीने के बर्तन इत्यादि जो है बर्बाद हो गए थे, तो जो सरकारी नियमों के अनुसार जो आपदा नियमों के अनुसार प्रावधान है उसमें अहेतुक सहायता का प्रावधान था, तो 9 लोगों को तो हमने 3800 रुपये जो अहेतुक सहायता होते वो दिया, ससमय दे दिया उनको, और एक जो है कच्चा मकान था वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त था तो उसको 5200 रुपये की मदद दी गई, तो कुल मिलाकर 10 लोगों को प्रभावित लोगों को जो है आज आपदा राहत के चेक दिए गए। क्योंकि अब ये तो सरकारी प्रावधान है कि उनको हम लोग कैश नहीं दे सकते, उनको खाता खोलना चाहिए और क्योंकि वो अनिवार्यता हो जाएगी वो, क्योंकि बिना खाते के तो वो पैसा फिर नहीं पेमेंट हो पाएगा, तो उनको खाता खोलना ही है और खाता खोलने के बाद जो है वो पेमेंट हो जाएगा। ये तो जो चेक दिया है हमें ये तो केवल राशन पानी के लिए, थोड़ा हम बच्चों को नमक रोटी खिला सके सर, थोड़ा बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई इस कैश से नहीं हो सकता सर, उसमें तो हमें अर्जा कर्जा करके ही इसको मतलब जो पूर्ति करे तभी हम झुकी खड़े। मेरे पास कपड़े न बर्तन है, मेरा तो कोई भी नहीं है, कोई चीज भी नहीं है, तो अब थोड़ा बहुत मदद मिली है तो थोड़ा बहुत अब इसमें गुजारा करने होगा तो पड़ेगा सर, मेरे पास तो कोई साधन नहीं, थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, थोड़ी बहुत मिल रही है, मेरे तो रहने की जगह नहीं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले और नगर निगम में मिले कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद निगम ने एक नई पहल की है, जिसके तहत नगर निगम में मास्क मशीन लगाई गई है। अब अगर कोई नगर निगम में कोई भी आम जनता बिना मास्क के आती है तो वो इस मास्क मशीन के जरिए एक सिक्का डाल करके मास्क प्राप्त कर सकता है। साथ ही नगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि अगर निगम परिसर में आवश्यक जगहों पर यह मास्क मशीन लगाई जाएगी, इसके अलावा एक हफ्ते तक इसका ट्रायल किया जाएगा और अगर ट्रायल सफल हो जाता है तो शहर में बने सार्वजनिक स्थानों पर स्मार्ट शौचालय के पास मास्क मशीन लगाई जाएगी। वीपी इंडस्ट्रीज द्वारा उपलब्ध कराई गई फेस मास्क वेंडिंग मशीन का उद्घाटन नगर आयुक्त द्वारा किया गया। कंपनी के मैनेजर ने भी साफ तौर पर कहा कि इस पूरी कवायद के बीच इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाएगा। ये मास्क वेंडिंग मशीन इसलिए डिजाइन करी गई है क्योंकि सबसे पहले हम चाहते हैं कि मास्क की जो कालाबाजारी हो रही है इसको रोका जा सके। अब ये किस तरीके से रुक सकती है, हमने जगह जगह ये मैन्युफैक्चर करी है मशीन, जिसको नगर निगम के माध्यम से जगह जगह लगाया जाएगा। ये वॉल माउंट मशीन है जिसमें 5 रुपये का कॉइन यहाँ पे डालते हैं तो एक डिस्पोज रीयूजेबल मास्क बाहर आता है, जिसकी मार्केट में प्राइस 15 से 20 रुपये है, जो कि नगर निगम के माध्यम से 5 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। स्वागत है ब्रेक के बाद। कोरोना को लेकर नैनीताल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जिसके मद्देनजर जिला अधिकारी सविन बंसल ने चिकित्सा प्रबंधन समिति के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में COVID-19 के उपकरण उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी अस्पतालों के बजट और उनके यूजर चार्ज संबंधित जानकारी लेते हुए सभी अस्पतालों को 24 घंटे एम्बुलेंस उपलब्ध रखने के लिए कहा। इसके साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में पीपी किट, सैनिटाइजर, मास्क सहित स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों द्वारा कोई भी लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। वहीं दिल्ली शाहदरा स्थित श्री राज माता झंडे वाला मंदिर के परमाध्यक्ष और भूपत वाला कैलाश गली स्थित श्री राज माता आश्रम के स्वामी राजेश्वरानंद महाराज ने दिल्ली के निगम बोध घाट समेत अन्य शमशान घाट से लाए 50 कोरोना मृतकों के अस्थि अवशेषों को कनखल सती घाट पर सनातन परंपरा के अनुसार विसर्जन किया। साथ ही मृतकों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। स्वामी राजेश्वरानंद महाराज ने बताया कि कई कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद
स्वजनों ने साथ छोड़ दिया। कितने ही कोरोना मृतकों के अस्थि अवशेषों को उनके स्वजन लेने नहीं आए। बताया कि कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार कराते वो खुद परिवार समेत कोरोना संक्रमित हो गए, पर सेवा से पीछे नहीं हटे। कोरोना से युद्ध जीतने के बाद फिर से सेवा कार्यों में जुट गए। कोटद्वार की बात करेंगे, जहां कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। बता दें कि भावर क्षेत्र के मोटाढाक और मवाकोट में एक युवक और एक महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मोहल्ले को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया। मोहल्ला सील होने से दुर्गापुरी के व्यापार मंडल ने भी कोरोना संक्रमण में अपनी सहभागिता दिखाते हुए दुर्गापुरी मार्केट को पूरी तरीके से बंद करने का निर्णय लिया। इसके बाद दुर्गापुरी और मोटाढाक में दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। वहीं नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन और आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने भी समर्थन किया। वहीं चमोली के पाखरी ब्लॉक के खाल गांव के प्रशांत बादल ने यूपीएससी परीक्षा पास करके अपने परिवार और पूरे जिले का नाम रोशन किया, जिसके बाद प्रशांत के घर पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रशांत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर से की। आपको बता दें कि प्रशांत के पिता जिला मुख्यालय में एक दुकान चलाते हैं और इसी से घर की आजीविका के साथ अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के बाद भी प्रशांत ने घुटने नहीं टेके। प्रशांत सिंह बादल के पिता हरिंद सिंह नेगी बताते हैं कि प्रशांत के दादा शिक्षक थे और उनका सपना था कि प्रशांत प्रशासनिक सेवा में जाएं, और प्रशांत ने अपने दादाजी को अपना सपना भी पूरा किया।